बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। तमाम परदेसियों के लिए मेरी वीडियो है जी। पाकिस्तान में बैठे हुए तमाम अहबाब तो न्यूज़ चैनल के ऊपर देख रखे हैं जी, तो परदेसी तो इस वक्त भी काम में मशगूल होंगे। और आज आपको पता है जुमेरात का दिन चल रहा है, तो आपके लिए जी इमरान खान साहब जैसा कि आपको पता है लॉन्ग मार्च कर रहे थे और गुजरांवाला के करीब इनके कंटेनर के ऊपर फायरिंग कर दी गई है, जिसकी सूरत में पहले तो ये बताया जा रहा था कि इमरान खान साहब बिल्कुल सेफ हैं, कोई किसी किस्म की उनको यानी कि कोई चोट वगैरह का या कोई ज़ख्म का निशान नहीं हुआ है। फायरिंग से मुराद है कि भाई फायर किए गए हैं कंटेनर के ऊपर, और कंटेनर के ऊपर यहाँ मैं इस तरह आपको कुछ पिक्चर दिखा रखा हूँ जिसके ऊपर हमें ब्लड भी देख सकते हैं, या मैंने देखा है जी न्यूज़ में अभी कंटेनर के ऊपर ब्लड भी बिखरा हुआ है। तो अभी की सूरत हाल सामने ये आ रही है जी, इमरान खान साहब को एक गोली भी लग चुकी है जी। तो अभी जो मैं देख रहा था वो आपके साथ शेयर करना ये चाहता हूँ जी, कि गोली जो लगी है वो उनकी टांग के ऊपर लगी है और वहाँ पर एक आरती तौर पर पट्टी बांधकर उन्हें बुलेट प्रूफ गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल मुंतकिल किया जा रखा है। तो मैं तो बहरहाल यही बोलूँगा जी, अल्लाह ताला की ज़ात उनकी हिफाजत फरमाए और हमारे मुल्क पाकिस्तान की भी हिफाजत फरमाए, क्योंकि हालात जो हैं वो भाई दिन ब दिन एक किसी और तरफ ही जा रहे हैं। क्योंकि आज का जो वाक़या पेश आ चुका है इसको देखते हुए तो ऐसा लग रहा है जैसे मुल्क में फिर से भाई हंगामा हराई शुरू हो जाएगी। तो बहरहाल जी, हर बंदे की अपनी राय है, हर बंदा किसी न किसी सियासी पार्टी को सपोर्ट करता है, तो बहरहाल अल्लाह ताला से दुआ करनी चाहिए कि अल्लाह ताला की ज़ात इनको खैर व आफियत से रखे।